इस तरह से जो प्रिमिटिव मैन थे, अर्ली मैन थे, उन्होंने धीरे धीरे सीखा कि किस तरह से हंटिंग के अलावा भी फूड प्रोड्यूस किया सकता है, यानी कि फूड को प्राप्त किया सकता है। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा, खेती करना सीखा, कुछ फसलें उगानी सीखी। इस तरह से उनकी जो लाइफ थी वो धीरे सेटल होने लगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोन एज। द अर्ली मैन यूज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट मेड ऑफ रफली ड्रेस्ड स्टोन। दीज स्टोन्स वर यूज फॉर हंटिंग, कटिंग एंड अदर पर्पज। एंड सो दिस एज इज नोन एज स्टोन एज। स्टोन एज, स्टोन एज का मीन्स क्या है कि जब पहले जो आदि मानव लोग थे वो क्या करते थे, वो अपने हाथों को यूज करते थे जो हंटिंग करने के लिए, एनिमल्स को किल करने के लिए, उन्हें खाने के लिए सिर्फ हाथों का यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्टोन मीन्स पत्थरों का यूज करना शुरू किया हंटिंग करने के लिए, एनिमल्स को हंटिंग करने के लिए और उनकी कटिंग करने के लिए और कुछ और पर्पस, यानी कुछ और काम के लिए उन्होंने स्टोन यूज करना शुरू किया। और इसी एज को, इसी युग को स्टोन एज कहा जाता है। स्टोन एज इज डिवाइडेड इन टू थ्री स्टेजेस, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। मीन्स पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज, एंड मिडिल स्टोन एज को मैसोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसमें मैसो का मीन्स है मिडिल स्टोन एज, एंड न्यू स्टोन एज मीन्स न्यूलिथिक एज। तो इस तरह से स्टोन एज को जो पाषाण युग था, यानी कि जब पत्थरों का यूज करना शुरू किया था आदि मानव ने, इस समय को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दीज स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज इज फ्रॉम 5 लाख BC टू 1200 BC। सो आई विल एक्सप्लेन यू पैलियोलिथिक एज थ्रू दिस पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। इस समय में आज जो मनुष्य था वो एक आदि मानव की तरह, एक आदिवासी की तरह, नॉर्मल में एक आदिवासी की तरह रहता था, और वो फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था, ताकि उसे कुछ भी खाने के लिए, एडिबल रूट्स में खाने के लिए कुछ भी नट्स वगैरह या फ्रूट्स वगैरह मिल जाए। इसके लिए वो फिशेस की हंटिंग भी करता था और एनिमल्स की हंटिंग भी करता था, और उनसे जो फ्लैश मिलता था, कच्चा मांस मिलता था, उसे खाता था। तो इस तरह से भोजन प्राप्त करने का जो साधन था वो सिर्फ प्रे था, यानी कि शिकार करना था। क्लोज एंड शेल्टर। आदि मानव को रहने का तरीका नहीं था, तो इसलिए से क्लोथ्स बनाने नहीं आते थे, और मौसम का भी उसे कोई अंदाजा नहीं था। जैसे आज हम पता कर सकते हैं कि जब बारिश होती है, तूफान आता है, तो हम उसे फील कर सकते हैं, लेकिन और उसे समझ सकते हैं कि ये तूफान है या बारिश है, उसे फील कर सकते हैं। लेकिन आदि मानव जो था वो इन नेचुरल प्रोसेस को समझ नहीं पाता था। जब कोई बिजली कड़कती थी या फिर बिजली कड़कने से या मौसम में चेंजेस होने से वो डर जाता था, और इस तरह से वो एनिमल्स से, जो फ्यूरियस एनिमल्स होते थे, वाइल्ड एनिमल्स से भी बहुत डरा होता था। लाइक उस टाइम में टाइगर, लायंस, पैंथर्स, रेनॉस, ये एनिमल्स मिल जाते थे। तो उन जानवरों से बचने के लिए और मौसम से बचने के लिए, यानी कि सर्दी, अगर ज्यादा सर्दी से या फिर बरसात से बचने के लिए, वो केव्स में, यानी कि केव्स में मीन्स गुफाओं में शरण ले लेते थे, गुफाओं में छिप जाते थे। तो पैलियोलिथिक एज तक अर्ली ह्यूमंस ने घर बनाना नहीं सीखा था, और जो उनका वन एंड ओनली होम था वो केव था, यानी कि गुफाओं में वो रहते थे। डिस्कवरी एंड यूज ऑफ फायर। एज यू नो द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज डिस्कवरी ऑफ फायर। मीन्स मानव की जो सबसे पहली डिस्कवरी है, सबसे पहली खोज है, महत्वपूर्ण खोज है, वो है डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी कि आग की खोज। आग की खोज बाय एक्सीडेंटली हुई थी, ठीक है। और जब आदि मानव ने देखा, जंगल में आदि मानव ने देखा कि दो पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न हुई है, तब उन्हें एक आइडिया आया कि इससे हम आग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो आग का यूज करना नहीं जानते थे, आग किस तरह से यूज कर सकते हैं। टाइम के साथ साथ जैसे ही आदि मानव को ही अंडरस्टूड द यूज ऑफ फायर, ही यूज इट इन मैनी वेज। लेकिन जैसे इसने आग के अलग अलग यूजेस सीख लिए, तो उसने इसे अलग अलग तरीके से यूज करना सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल, नाइट में वो आग का यूज, आग जलाते थे अपने वो गुफा के बाहर आग जलाते थे, ताकि कोई भी एनिमल उस केव के अंदर, यानी कि गुफा के अंदर नहीं आ सके। इस तरह से पहले जो आदि मानव थे वो कच्चा मांस खाते थे, जो रॉ रॉ फ्लैश होता है, रॉ फ्लैश ऑफ एनिमल खाते थे। लेकिन जब फिर उन्होंने
उसे ही उसी रॉ फ्लैश को यानी कच्चे मांस को जब आग पर पकाकर देखा तो उन्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लगा, तो उन्होंने इस तरह से इसका सेकंड यूज सीखा। इस तरह से आग का यूज वो वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए भी करते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ अर्ली टूल्स एंड वेपन्स। अर्ली ह्यूमन बींग्स ने कुछ औजार बनाने सीखा था जो कि पत्थरों के बने थे। इन द बिगनिंग मैन यूज टू गैदर फूड और केयर एनिमल्स विद बेयर हैंड्स, बट इट वॉज नॉट इजी टू डिग आउट रूट्स और किल बिग एनिमल्स। आदि मानव जो थे, प्रिमिटिव मैन थे, वो फूड कलेक्ट करने के लिए उन्हें एनिमल्स को किल करना पड़ता था, जानवर को मारना पड़ता था, और ये काम वो सिर्फ अपने हाथों से करते थे। लेकिन ये उनके लिए इजी काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए उन्हें उन्हें पेड़ों की बड़ी बड़ी रूट्स, बड़ी बड़ी जो जड़ें थी उनको उखाड़ना पड़ता था, और उसकी हेल्प से एनिमल्स को किल करना पड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से कुछ औजार बनाना सीखा जिसकी मदद से वो इन एनिमल की जो फ्लैश थे, जो कच्चा मांस था, उसे वो काट सकते थे और खा सकते थे। लुक एट द पिक्चर, दीज आर सम टूल्स मेड ऑफ स्टोन। ये स्टोन से पत्थरों से बने हुए कुछ टूल्स है, कुछ औजार की तरह है, जिसकी सहायता से वो एनिमल फ्लैश को एंड फ्रूट को कट कर सकते हैं, ठीक है, मिस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली मैन टूल्स एंड वेपन्स वर मेड ऑफ स्टोन। इसका मतलब जो अर्ली मैन जो सबसे पहले औजार बनाए थे वो पत्थर के बने हुए थे। मैन यूज हार्ड स्टोन सच एज फ्लिंट अलोंग विद अदर टाइप ऑफ स्टोन फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। फ्लिंट वॉज द स्टोन दैट वॉज यूज फॉर मेकिंग फायर एंड ही फाउंड दिस टाइप ऑफ स्टोन इजी टू चिप, सो ही गेव वेरियस शेप्स टू इट। हाउएवर द टूल्स दैट मैन मेड एट दिस टाइम वर रफ एंड अनपॉलिश्ड, सो सम ऑफ दीज टूल्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया एंड सोन एंड सोहन रिवर वैली इन पाकिस्तान। इन सम प्लेसेस सच एज इन कश्मीर वैली बोन्स और हॉर्न्स ऑफ एनिमल वर यूज एज टूल्स एंड वेपन्स। सच टूल्स एंड वेपन्स हैव बीन फाउंड इन फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, इन द नर्मदा वैली एंड इन डेक्कन। सो इस तरह से आदि मानव ने सबसे पहले पत्थरों के औजार बनाना शुरू किया, जिसकी सहायता जिसकी मदद से वो एनिमल्स के फ्लैश को कट कर सकते थे, और इसके अलावा उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से इसे यूज करना सीखा। इसके जो कुछ अवशेष है, कुछ जानकारी, कुछ सोर्सेस है, वो हमें मिल सक हमें साउथ इंडिया कश्मीर वैली और हिमालय हिल्स पर भी इस तरह के कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं। इस तरह के कुछ पत्थरों के टूल्स मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं, जिससे ये पता लगाया जाता है कि अर्ली ह्यूमन बींग ने सबसे पहले पत्थरों के औजार बनाना शुरू किया था।